Thank you.
फिर भगवान
उन्हें निष्काम कर्म की शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार के कर्म करने से कर्म फल का भोग उन्हें नहीं भोगना पड़ेगा। फिर उन्हें शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को कि किस प्रकार से के कर्मों को करने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। श्लोक संख्या 39। फिर कह रहे हैं अगर निष्काम कर्म योग का तुम पालन करते हो इस प्रयास में क्या है, ना ही हानि है और ना ही मतलब सो अल्पस्य धर्मस्य प्रायते महतो भया। इस पथ में किया गया थोड़ा भी प्रयास महान भय से रक्षा करने वाला है। फिर श्लोक संख्या 41 में कह रहे हैं मान लो कि अर्जुन इस पथ पे जो नहीं चलता, अर्जुन कहेगा अगर मैं नहीं चलूं इस पथ पे तो कह रहे हैं अगर इस पथ पे नहीं चलते हो तो क्या हानि है। कह रहे हैं कि जो ये पथ है उस पथ पे अगर नहीं चलते हैं तो क्या होगा, उनकी बुद्धि जो है अनेक अनेक शाखाओं में बढ़ जाएगी। जैसे कि नीचे से वृक्ष एक होता है और तनाएं क्या होती है आगे जाके अनेक हो जाती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति निष्काम कर्म नहीं करता है और भौतिक भोगों में लगा रहता है उनकी बुद्धि कैसी होती है, अनेक शाखाओं से बटी हुई होती है। फिर श्लोक संख्या 42 और 43 में हमने सुना कि जो अल्प ज्ञानी मनुष्य होते हैं किस प्रकार वेदों के अलंकारमयी जो भाषाएं हैं उनमें उलझ के रह जाते हैं और क्या करते हैं, सकाम कर्म करते हैं। सकाम कर्म यानी भगवान के लिए कर्म नहीं करके स्वयं के लिए कर्म करना और जो उसका कर्म फल हो उसका भोग स्वयं करना करने की चाहत रखना। अब इस तरह की चाहत रखने वाले लोगों के साथ क्या होता है वो आज के श्लोक में हम देखेंगे। ये वो व्यक्ति जो अपना कर्म फल या कर्म अपने स्वयं के लिए करता है उसकी गति क्या होती है ये आज के श्लोक में हम लोग देखेंगे। श्लोक संख्या है 44 दोहराइएगा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम दया अपहृत चेत व्यवसात्मिका बुद्धि समान होना विधेयते भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता न दया अपहृत चेत व्यवसात्मिका बुद्धि समान विधेयते तया बृहत चेतसा व्यवसात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया बृहत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्ता तया बृहत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम
अब जैसे कि स्वर्ग की कामना कि नाना प्रकार का यज्ञ करेंगे और यज्ञ करके क्या करेंगे, स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग जाकर क्या करेंगे, वहां पे भी भोग करेंगे। यहाँ पे भी है तो उनकी बुद्धि कहाँ लगी हुई है, भोगों के प्रति। सुंदर स्त्री चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बहुत बड़ा बंगला चाहिए, और इनके लिए क्या करना होता है, अत्याधिक परिश्रम। तो जब अत्याधिक आप परिश्रम करिएगा तो भक्ति के लिए समय कम मिलेगा। जो व्यक्ति 18 घंटा 12 घंटा 16 घंटा कार्य करे, अब उसे आके कहिए यहाँ भगवत चर्चा सुने, उसका मन लगेगा क्या? इसलिए प्रभुपाद जी ने नियम बनाया है, जो गृहस्थ लोग हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा भौतिक कार्यों को देना चाहिए ताकि गृहस्थी का कार्य चल सके। अब गृहस्थी का कार्य चल सके इसके लिए 24 घंटा उसमें रचे पचे नहीं रहना। तो ये आज का जो भाग दौड़ का जिंदगी है सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान तक के लिए सीमित नहीं है। अगर इतने तक की बात रहे और गृहस्थों के लिए थोड़ी बहुत सेविंग की छूट होती है कि कोई साधु आ जाए, महाजन आ जाए या भगवान की सेवा की बात हो तो थोड़ी बहुत सेविंग होनी चाहिए, तो उसके लिए भी अत्यधिक परिश्रम की जरूरत नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कि आप अत्यधिक परिश्रम भी करते हैं तो क्या जो क्या ये निश्चित है कि जो आप चाहते हैं उसका फल वो मिल ही जाए? मिलेगा तो वही जितना पूर्व से निर्धारित। प्रभुपाद महाराज क्या कहते हैं, आपके लिए जो पूर्व से निर्धारित है आपको उतना ही मिलेगा। जैसे कि बिना मांगे दुख आता है, दुख के लिए कोई परिश्रम करता है क्या? नहीं करता है, बिन कहे अनवांटेड रूप से आता ही है। अच्छा, आपकी इच्छा ना रहे तो क्या दुख नहीं आएगा? आएगा। तो वैसे ही आपके कर्म फलों के हिसाब से अगर सुख है तो सुख भी बिना मांगे ही आएगा। वैसे ही जैसे हर दिन के बाद रात आता ही है, उसी प्रकार सुख और दुख का सिलसिला लगा ही रहेगा। आज गर्मी है, परेशानी है, कल ठंडक भी आएगी और जब ठंडक बढ़ेगी तो भी परेशानी होगी, तो ये लगा ही रहता है। उसके लिए अत्यधिक हमें परिश्रम नहीं करना है। इसे लोग बहुत से लोग चातुर्मास का भी व्रत करते हैं और चातुर्मास का व्रत करके क्या चाहते हैं, आकांक्षा क्या रखते हैं कि 100 रस की प्राप्ति, और 100 रस की पीकर वो क्या कर बनना चाहते हैं, बलिष्ठ बनना चाहते हैं, बलवान बनना चाहते हैं। 100 रस स्वर्ग में पाया जाता है, एक तरह की मदिरा होती है जिसको पीने से काफ़ी आनंद आता है और शरीर बलिष्ठ भी होता है, लेकिन उद्देश्य क्या है, भोग करना। अब बताइए, चतुर्मास का भी व्रत कर रहे हैं लेकिन उद्देश्य क्या है, भोग कर रहे हैं। पिछले श्लोक में आया हूँ, तो ऐसे सारे जो लोग हैं ये भगवत प्राप्ति के लिए कार्य नहीं करते, कार्य क्या करते हैं, आत्म तुष्टि के लिए। और भी अच्छा, एक भोगों की एक खासियत है कि आप जितना भोग भोगिए मन तुष्ट नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हम ये भोग भोग लेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन इसकी खासियत है कि मन संतुष्ट नहीं होता। अन्य और ये खुजली की तरह, भोग कैसा है, खुजली की तरह। अभी खजुलाइए आनंद दे और मन करता है खजुलाने का, लेकिन परिणाम क्या देता है, कष्ट देता है। तो भोग का भी स्वरूप वही है। अभी लग रहा है कि हमारे पास अगर सुंदर स्त्री होगी अब भोगेंगे तो सुखी हो जाएगी, अरे आप उन लोगों के साथ जाके वार्ता करिए ना जिनके पास सुंदर स्त्री हो, वो अपना अनुभव बता देंगे कितने सुखी हैं।
जो बुद्धिमान है वो खुद से रास्ता नहीं बनाते, जैसे खेतों में आप देखते हैं कि पगडंडी लगी रहती है, तो जो बुद्धिमान आता है उस पगडंडी को पकड़ के ही चलता है, उसे लगता है कि आगे किस रास्ते पे बहुत सारे लोग चले, तो ये रास्ता सेफ। तो एक विशेष प्रकार के बुद्धिमान लोग होते हैं, कहते नहीं हम करेंगे गलती, मतलब गलती करेंगे उसके बाद सीखेंगे। तो भाई गलती करके सीखने में तो रिस्क भी है ना, गड्ढे में गिरेंगे तो हो सकता है कि चोट भी लगे, लेकिन जो बुद्धिमान है वो दूसरे की अज्ञानता और गलतियों से सीख ले लेता है, अरे उसने ये गलती की थी अब ये गलती मैंने, अब ये जरूरी नहीं है कि उस गलती को दोहरा के ही सीखा जाए। तो शास्त्र में ऐसी अनेक कथाएं दी गई, कथाएं दंत कथाएं नहीं, हिस्ट्री, हमारे शास्त्र क्या है, हमारी इतिहास, तो इतिहास में ऐसी घटनाएं दी गई जिससे हम लोग सीख ले सकते हैं। जैसे कि पीछे आप देखेंगे कई ऐसे राजा हुए या ऋषि हुए, जैसे कि कुरुणा महाराज, अयाति महाराज, सोभी मुनि, इन सबकी कथाओं को जब आप पढ़िएगा, जैसे एक राजा एक ऋषि हुए मांडव ऋषि, वो गोमती नदी के तट पे बहुत सुंदर तपस्या करते थे, उनकी तपस्या से इंद्र प्रभावित होते, और कोई हो या ना हो इंद्र तो सबके तपस्या से जरूर प्रभावित हो जाते। उन्होंने क्या भेजेंगे, वो अप्सरा, तो ये अप्सरा के घर में पड़ गए और खूब भोग भोगे उस अप्सरा को, और एक दिन अप्सरा बोलती है कि अब ऋषि मैं अपने लोग को जाती हूँ, तो मांडव ऋषि बोलते हैं ठीक है चली जाना, मैं गायत्री कर लेता हूँ, गायत्री संध्या कर लेता हूँ, उसके बाद तुम चली जाना। किस गायत्री संध्या की बात कर रहे हैं, आपने तो कई संध्या नहीं की है, पिछले कई संध्याएं को आपने छोड़ दिया है। तब उन्हें होश आया कि मैंने 900 वर्ष तक गायत्री संध्या की ही नहीं, और उन्हें यह अभ्यास हो रहा था कि यह अप्सरा अभी तो आई ही, अभी सुबह आई है, ऐसा मैं कह रही कि मैं जा रहा। तो ये जो भोग और ऐश्वर्य का प्रमाद ऐसा होता है कि व्यक्ति को लगता है कि ये तो अभी ही है, और जीवन क्या है, बीतते जा रहा है। आप किसी व्यक्ति से कहिए क्या भजन करिए, भक्ति करिए, अरे हमारा अभी उम्र ही क्या है, अभी तो इतनी जिम्मेवारियां हैं, ये करना है वो करना है नाना प्रकार, उसे ऐसा लगता है कि अरे ये तो अभी कुछ दिन की ही बात है, अभी कुछ दिन पहले मेरी शादी हुई है, अभी बच्चे हैं, बच्चे जबकि बड़े हो गए लेकिन फिर भी उसको एहसास नहीं है, वो उपाड़ा लिए हुए। तो ये प्रमाद का ही लक्षण है। ठीक है, इसको आगे टीका में देखते हैं। बलदेव विद्याभिषेक कहते हैं कि पिछले श्लोक में वर्णित शक्ति और भोग से आसक्त लोग उन चीजों में लीन रहते हैं क्योंकि वे वस्तुएं अपने अस्थाई स्वभाव को प्रकट नहीं करती है। पिछले दोष में क्या वर्णन था, सकाम करना, जैसे कि स्वर्ग में जिसे जाना है उसे यज्ञ करना चाहिए, कौन सा यज्ञ, 24 तुम यज्ञ, ऐसे कई यज्ञ है लेकिन प्रमुख यज्ञ ये है कि इसको करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अच्छा, किसी को ब्रह्मा का पद चाहिए तो 100 जन्मों तक वो वर्णाश्रम का ठीक ठीक से पालन करे तो ब्रह्मलोक को या ब्रह्मा के पद को प्राप्त कर सकता है। किसी को चाहिए कि हमको निरोगी काया चाहिए, बलिष्ठ शरीर चाहिए, तो सूर्य देव की उपासना करें। किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो उर्वशी की कामना करें। किसी को सुंदर पति चाहिए, महादेव की उपासना करें। तो वेदों में ऐसे नाना प्रकार के कर्मकांड दिए गए और ऐसी अलंकार युक्त भाषाएं दी गई हैं कि जो जिनकी बुद्धि पूर्णतः विकसित नहीं है ऐसे अलंकार रूपी छंदों में फंस जाते हैं। सहारा किसका ले रहे हैं, वेदों का। वेदों में ऐसा नहीं है कि यही बातें, और सारी बातें लेकिन ज्यादातर ये बातें उसमें लिखी हुई, और व्यक्ति क्या होता है उसमें फंस जाता है।
उसी बात को कह रहे हैं कि चूंकि ये वस्तुएं क्या है, इनका स्वभाव क्या है, वो अस्थाई, लेकिन स्वभाव तो अस्थाई है, लेकिन व्यक्ति इनके प्रभाव से इतना आकृष्ट होता है इन ऐश्वर्यों के आगे कि ये इनको समझ नहीं पाता है कि ये अस्थाई है। वो अस्थाई को ही क्या मान बैठता है, अस्थाई को ही अस्थाई मान बैठता है। जैसे कि व्यक्ति देख रहा है कि मेरे दादाजी मर गए, मेरा पड़ोसी भी मर गया, पिताजी भी टंग गए, लेकिन उसको ये नहीं लग रहा कि मैं भी टंगूंगा। उसे लग रहा है चलिए फलाने मरेगा ना, न्यूज भी देख रहा है कि फलाना व्यक्ति का एक्सीडेंट, इतना रोड एक्सीडेंट हो रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतनी त्रासदी है। अच्छा ठीक है, संसार में ये हो रहा है, मैं सेफ। उसको क्या लग रहा है, मैं सेफ। अगर उसे ये लगता कि मैं भी मरूंगा, मैंने इतने साल गुजार दिए भोग करते हुए और भक्ति करना चाहिए, तो वो भक्ति की तरफ मुड़ता, लेकिन भोग सर में इतना आकृष्ट है उसको ये अस्थाई चीज का एक पता ही नहीं लग पाता। उसको क्या लग रहा है, अच्छा ये जो चीज हो रही है ये संसार के लिए, मैं तो अमर हूं, भले ही वो 70 साल का क्यों हुआ। एक बार प्रभु जी एक घटना बता रहे थे कि मैं दुकान पे गया था और एक लगभग 65 साल का व्यक्ति था, सिगरेट पीता, तो कंठी तिलक देखा, बोला कि इस छोटी अवस्था में क्या कंठी माला लेके महाराज आप लोग घूम रहे हैं, आप लोग का तो खेलने खाने खाने का उम्र है और आप इस उम्र में कंठी तिलक का जपा लेके पूरा उम्र बेकार कर रहे हो। बोले अरे महाराजा तो आंख खोल दिए मेरा, इतना ज्ञान की बात बोले, ठीक कह रहे हैं, मेरा खेलने खाने का उम्र है, आपका तो भक्ति करने का उम्र है ना, लाइए सिगरेट लाइए और ये कंठी माला पकड़िए, आप करिए जपा और मैं करता हूँ भोग। वो व्यक्ति जो भागा वहां से ना, फिर रुका ही नहीं, वहां से भागा तो रुका नहीं। अरे भाई खेलने खाली कुमार आचरते पर। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे मेरे मित्रों, भक्ति आप अभी से शुरू करो, बचपन काल से ही, क्योंकि जब बड़े हो जाओगे और आपकी शादी हो जाएगी और पत्नी से जब आप पानी मांगोगे और दूध का गिलास लेकर आएगी, काम खत्म, भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति किससे होगी, जो पुरुष से ही अभ्यास किया हुआ है। अभी लोग कहते हैं अरे बड़ भक्ति किसका काम है, बुढ़ापे का, खाक भक्ति होगी, इंद्रिया साथ देगी ही नहीं, व्यक्ति सुन नहीं सकता, ना सुगंध ले सकता है, ना ही ठीक से बैठ पाएगा, अष्टांग योग करने लगेगा तो एक घंटे की कथा में कहाँ से भक्ति कर पाएगा। भक्ति अभी करना है, आज से करना है, न कि कल से। और जैसा कि एक कथा है बकुले और हंस की, एक बकुला था नदी के किनारे कीचड़ में कीड़े चुन चुन के खा रहा, ऊपर से हंस जा रहा था। हंस को बकुला देखता है तो आवाज देता है, तो बकुला के पास हंस आ जाता है, पूछा कहाँ जा रहे हो। बकुला पूछता है, हंस भाई कहाँ जा रहे हो। हंस बोलता है मैं मानसरोवर जा रहा हूँ। अच्छा मानसरोवर, ये कैसा जगह है। मैं तो वहाँ बहुत सुंदर ये सरोवर है, वहाँ का जो जल है बहुत ही शीतल मृदु और सबको पवित्र करने वाला है, उसमें सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए हैं, मैं वही जा रहा हूँ। बोला कहता है कीड़े मिलेंगे क्या खाने के लिए, कीचड़ मिलेगा क्या। नहीं वहाँ कीचड़ का क्या काम, वहाँ तो सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे। तो बकला कहता नहीं नहीं तब मैं नहीं जाऊँ। तो हंस चला गया। तो ये जो हमारी स्थिति है, हमारे भी स्थिति कैसी है, बकुले की तरह, क्योंकि ये जो भौतिक संसार है इसका स्वरूप कैसा है, कीचड़ की तरह। और ये जो इससे आनंद प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, उसका स्वरूप क्या है, कीड़े की तरह। जो व्यक्ति है बकुला, वो इस कीचड़ में पड़े हुए कीड़े को ही खा के संतुष्ट हो रहा है, क्योंकि वो मानसरोवर को नहीं देख रहा है।
अच्छा मानसरोवर को नहीं देखा लेकिन हंस तो बता रहा था ना, उसी प्रकार हमारे गुरुजन शास्त्रों के माध्यम से हमारे वास्तविक घर का हमें परिचय दे रहे हैं कि हमारा वास्तविक घर कैसा है। न तद्भासे ते सूर्यो न ससंको न पावक यत गत्वा न निरुदन्ते तद्धाम परमम। कि हमारा घर वैसा है, ये जो अभी तीन ताप से प्रभावित हो रहे हो, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, इन सबसे वहां जाके मुक्त हुआ जा सकता है। वहां सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्र की भी आवश्यकता नहीं है, एसी की आवश्यकता नहीं है, हीटर की आवश्यकता नहीं है, भूख इत्यादि प्रसाद करने वाले वहां नहीं है। तो अगर हम हंस रूपी अपने गुरु की शास्त्रों की बात मान लें तो फिर इस कीचड़ में पड़ना नहीं पड़ेगा। फिर आगे कह रहे हैं चेतसा अर्थात उनके विवेक पूर्ण ज्ञान तया अप्रहित अर्थात आकर्षित करके भ्रामक शब्दों द्वारा लूटा गया है। कह रहे हैं कि भ्रामक शब्द क्या है, जैसा मैंने बताया कि वेदों में अनेक अनेक कामनाओं के लिए अनेक अनेक अलंकार यज्ञ इत्यादि दिए गए, जैसे पुत्र चाहिए तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ है। तो ऐसे जो भ्रामक शब्द है इसको क्या बोल रहे हैं, भ्रामक शब्द जो भ्रम पैदा करने वाले हैं उनके द्वारा क्या किया गया है, लूट लिया गया है। आकर्षक तो लग रहे हैं, अरे भाई हमारे पुत्र नहीं पैदा हो रहा है, यज्ञ कर लेते हैं, इस यज्ञ को कर लेंगे, पूर्ववर्षी की प्रार्थना कर लेंगे तो बहुत सुंदर स्त्री प्राप्त हो जाएगी। आकर्षक तो लग रहे हैं लेकिन है कैसे, ये टापू की, टापू का क्या काम होता है, लूटना। तो ये क्या कर लेते हैं, लूट लेते हैं। क्या लूट लेते हैं, विवेक को, हमारे बुद्धि को भर लेते हैं। विवेक का अर्थ क्या होता है, विवेक का अर्थ क्या होता है, बुद्धि। इस बुद्धि, वो विवेक, वो बुद्धि जिससे हम सही और गलत का ठीक ठीक पता कर सकते, वही विवेक। एक शराबी से भी पूछिएगा तो कहेगा बहुत बड़े बुद्धिमान है, उसको अपंग कह लीजिए चलेगा, लेकिन मूर्ख कह दीजिए चढ़ जाएगा। कोई भी व्यक्ति मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करता है, चाहे वो विठल्ला ही क्यों ना, लेकिन वो मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसे जो अलंकारमय भाषाएं हैं जो हमारे अंदर भ्रम पैदा करने वाले हैं वो क्या करते हैं, हमारे विवेक को हर लेते हैं। और हरने के बाद क्या करते हैं, अविवेक पैदा करते हैं, जैसे कि अग्नि और पतिंगे। पतिंगा देखा है अपने, बरसात में काफी हो जाता है पतिंगा छोटा छोटा बरसात के दिनों में, उसका कार्य क्या होता है, जहां प्रकाश देखेगा वहां आकृष्ट हो जाता है और उस प्रकाश के संग करके उसे खुशी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है, जीवन ही चला जाता है उसका। तो ये जो भौतिक ऐश्वर्य है दिखने में तो चमकीला दिख रहा है कि भाई सुंदर गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, स्त्री मिलेगी, मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, देखने में तो चमकीला है, लेकिन जब हम इसका संसर्ग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, भौतिक प्रकृति के द्वारा जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग इत्यादि यही मिलता है ना। तो हम पतिंगे की तरह क्या है, इन ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट है और हमारा हर्ष भी उसी प्रकार होगा जो पतिंगे का होता है। कुछ देर तो प्रकाश का संग करता है लेकिन लास्ट में पंख टूट जाते हैं, गिर जाता है, मर जाता है। तो हम भी जो भोग जिनको समझ रहे हैं तथा कथित, अरे बचपन तो गुजर जाता है खिलवाड़ में, जवानी है लगता है कि सुंदर स्त्री का संग करेंगे, कितना देर, उसके बाद नाना प्रकार के रोग व्याधि
लेकिन यही जीवन अगर भक्ति में दे दिया जाए तो सो अल्पस्य धर्मस्य प्रायते महतो भया, थोड़ी मात्रा भी की गई भक्ति महान जन्म रूपी भय से मुक्ति प्रदान करने वाली है। तो हमारी चेतना को कहाँ लगाना है? भक्ति में। फिर आगे कह रहे हैं, उनके मन में स्थिर बुद्धि नहीं होती। समाधो निरुक्ति के अनुसार समाधि का अर्थ है सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्मत्वया स्थामय, वह मन जिसमें आत्मा की वास्तविक प्रकृति का पूरी तरह से चिंतन किया जाता है। कह रहे कि जो लोग ऐसे प्रलोभनों में भोग और सुरेग पीछे हैं, उनकी बुद्धि समाधि में नहीं लग पाती है। समाधि का अर्थ क्या है? सम्यक रूप थी, यानी हमारी जो बुद्धि है वो कृष्ण के प्रति बिल्कुल आकृष्ट। ऐसा नहीं है कि सुबह और शाम ही सदैव, और नहीं होगी तो क्या होगा? चैतन्य चरितामृत में एक प्यार है, लगाइएगा प्रभु, जीवे रे लालसा इति उति धाय शिष्णोर्ध परायण कृष्ण नाही पार, कि जीव की जो लालसा है उसके कारण जीव क्या कर रहा है? इधर उधर भटक रहा है। और शिष्णो परायण कृष्ण नहीं पार, और काम आदि सुख के पीछे जो ये ललायक मनुष्य है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। और इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? हमारे जीभा से। इसमें एक श्लोक है ना उद्देशामृत, क्या श्लोक है? श्लोक क्या है कि इसमें बता रहे हैं कि उधर वस्त्र वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उधरो वस्त्र बेगम, जीभ पे अगर नियंत्रण नहीं है तो उदर और उपस्थ ये दोनों पे नियंत्रण हमारा नहीं होगा। और जब आपका जीभ पे ही नियंत्रण नहीं है, इधर उधर मुंह मारिएगा प्रसाद नहीं खाइएगा, तो ना ही आपका पेट सही रहेगा और ना ही पेट का के नीचे निम्नांग यानी उपस्थ जो है वो भी ठीक नहीं होगा। और जो जो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन नहीं करेंगे कृष्ण भक्ति बहुत दूर है, और ऐसे व्यक्ति कभी समाधि में एकनिष्ठ नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्ति समाधि में एकनिष्ठ नहीं हो सकते। और समाधि में गीता के 2.57 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उसके तात्पर्य में देखिए कि जो कृष्ण भावना में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सारोकार कृष्ण से रहता है। और जो स्वर्ग मंगल है ऐसे कृष्ण भावना से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। यानी वो व्यक्ति जो अच्छाई बुराई इत्यादि द्वंद्वों से रहित होता है, और उसका सारोकार उसकी बुद्धि जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहती है? कृष्ण की प्रसन्नता में। वो हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहता है, वैसा कार्य उसके लिए सर्व मंगलकारी है। यानी जो व्यक्ति सिर्फ कृष्ण के लिए कार्य करना चाहता है उसके द्वारा किया गया कार्य शुभ और अशुभ से क्या है? परे।
और उसके लिए ये नहीं देखना है कि ये कार्य मंगलकारी है या अमंगलकारी है। अगर वो कार्य उसकी प्रसन्नता के लिए है तो, और ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है, समाधि में स्थित कहा जाता है। समझे? दूसरा देखिए, फिर कह रहे हैं श्लोक संख्या 24, 224 कि कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण क्षण भर भी नहीं भुला पाए, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है, यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुण तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावना मृत या समाधि कहते हैं। समाधि का अर्थ ही है कृष्ण भावना मृत, यानी कि जैसे अर्जुन थे, अर्जुन भगवान को अतिशय प्रिय थे, तो उनकी जो पटरानियां थी द्वेष करती थी, भगवान से शिकायत करती थी कि आप अर्जुन का नाम इतना क्यों लेते हैं, हमारा नाम तो भूल जाते हैं लेना, लेकिन अर्जुन का नाम लेना नहीं भूलते। बोले ठीक है मैं बताऊंगा। एक बार अर्जुन द्वारिका आ रहे और विश्राम कर रहे और भोजन का समय हुआ, तो मणिदेवी बोलती है कृष्ण भोजन का समय है, अर्जुन कहाँ है, आपके सखा कहाँ है? ठीक है, वो अतिथि गृह में सो रहे होंगे, आप उन्हें जगा दें। रुक्मणी देवी गई लेकिन लौट के नहीं। फिर सत्य बाबा बोलती है समय तो होते जा रहा है लेकिन रुक्मणी दीदी भी नहीं आई, अर्जुन भी नहीं आए। कृष्ण कहते जाके देख लो क्या हो गया। वो जाती है तो वो भी लौट के नहीं आती है। ऐसे करते करते आंखों पटरानी जाती है लेकिन लौट के नहीं आती। अंत में कृष्ण जाकर देखते हैं तो सभी बैठ कर रो रहे हैं। तो क्या हुआ? तो मैं हम सभी समझ गए कि आप अर्जुन को इतना प्रेम क्यों करते हैं। तो देख रहे हैं कि अर्जुन तो निद्रा में थे लेकिन उनके हर एक रोम से भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारित हो रहा है। ये है सुभक्तों का लक्षण कि निद्रा में भी भगवान का ही स्मरण करता है। जो स्वप्न भी आते हैं भगवान से संबंधित ही आते हैं। तो कृष्ण भावना मृत का अर्थ यह अर्थ नहीं हुआ कि ये सुबह और शाम का ही सिर्फ कार्य। आपकी जो बुद्धि है, जो आपका भक्तिमय कार्य है, वो पूर्णतः भक्तिमय कृष्ण के ही प्रति होनी चाहिए। जैसे कि 9 बजे तक आप यहाँ मंदिर है, 9 बजे के बाद अगर एक भक्त कह रहे थे कि इस्कॉन के भक्तों का वास्तविक रूप देखना है तो आप 10 बजे के बाद उनसे मिले, वास्तविक चेहरा उन्हें तो वो उन्हें मिल जाए। तो ऐसा भी हमें नहीं, आखिर हम जो कार्य कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि में क्या होना चाहिए कि ये कृष्ण के लिए ही, यानी जो परिवार का दायित्व तो भगवान ने मुझे दिया है, बच्चों का पालन पोषण करना है, ये कृष्ण के ही दिया गया एक दायित्व तो है। पत्नी है, माता पिता है, घर है, ये भगवान ने मुझे एक दायित्व तो दिया है, मैं उनका सेवक हूँ, ये भी इनके सेवक, ये भी भक्त है, उनकी भी सेवा करूँ और भगवान की एक सेवा ही मानती उसे करना है। समझ रहे बात? इस प्रकार हम 24 घंटे भगवान की सेवा में मन को लगा सकते हैं। जो कथा को सुना आप उसको स्मरण कर सकते हैं, श्लोकों को दोहरा सकते हैं, इस तरह से आपका मन भगवान की भक्ति में आवेशित रहेगा। फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक दीयते अस्मि आत्मत्या भात में, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में वो न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। जब श्रील प्रभुपाद की जय। अभी समाधि का हमने अर्थ समझा, तो ये कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए हैं वो समाधि से कोसों
दूर हैं वो समाधि को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और निम्नाधिक पतन को प्राप्त होते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े वृक्ष आदि शरीर को प्राप्त होते हैं। अच्छा मान लीजिए कि कर्म जो व्यक्ति हैं, एक होते हैं विकर्मी, फिर होते हैं कर्मी, फिर होते हैं निष्काम कर्मी, फिर होते हैं भक्त, फिर शुद्ध भक्त। मुख्यतः तीन कैटेगरी, जैसे विकर्मी, विकर्मी वो होते हैं जो शास्त्र का सहारा नहीं लेते हैं और शास्त्र विरोध कार्य करते हैं। मैं इस पॉइंट पर बोल रहा हूँ कि जैसे कि अभी ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति सकाम वेदों का सहारा लेकर सकाम कर्म करता है और वेदों में नाना प्रकार के ऐसे भोग दिए गए हैं, ऐसी युक्तियां बताई गई है, यज्ञ बताया गया है जिसका पालन करके व्यक्ति भोग भोगता है, स्वर्ग जाता है। तो ऐसे बात वेद कौन है? भगवान के स्वास्थ्य से प्रकट हुए हैं वेद, यानी भगवान। तो भगवान ऐसी बात लिखे ही क्यों है वेदों में, जिससे आदमी का मन मति भोगों में लग जाए? तो क्या भगवान हमें पथ भ्रष्ट करना चाहते हैं? क्या ऐसा क्वेश्चन हो सकता है? ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि वेदों में ऐसी बात क्यों लिखी गई जो हमारी बुद्धि को पथ भ्रष्ट कर दे, सकाम कर्मों में लगा दे। तो उसका उत्तर ये है कि जैसे कि विकर्मी है, विकर्मी को शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, वो शास्त्र विरोधी कार्य करते हैं, मांसाहार करेंगे, व्यभिचार करेंगे, ऐसा वेदों में नहीं लिखा है। हाँ, सुंदर स्त्री प्राप्त करना है तो उसके लिए विधियां बताई गई है कि आप स्वर्ग में जाके भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन व्यभिचार नहीं बताया गया। लेकिन विकर्मी क्या है? व्यभिचार करेंगे, चार नियमों को तोड़ेंगे। तो विकर्मी के ऊपर होते हैं कर्मी, जिन्हें सकाम कर्मी कहते हैं, वो वेदों का सहारा लेते हैं और वेदों का सहारा लेके यज्ञ इत्यादि करके उसके फल को स्वयं भोगते हैं, स्वर्ग को भी प्राप्त करते हैं, लेकिन छीनने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। तो सकाम कर्मी एटलीस्ट विकर्मी से तो एक बढ़िया है, जो कम से कम वेदों का सहारा ले रहे हैं। वेद क्या है? स्वयं भगवान है। तो कभी न कभी ये भोग भोगते 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 उस स्तर को प्राप्त होंगे, उन्हें ये समझ में आएगा कि इस भोग में कुछ रखा नहीं है, तब तो वो निष्काम कर्म की तरफ बढ़ेंगे। और निष्काम कर्म की तरफ जब वो बढ़ेंगे तो निष्काम कर्म करके जब उनके हृदय का शुद्धिकरण होगा तो भक्ति का भी पालन कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वेदों में इस तरह की बातें सकाम कर्मियों के लिए ही लिखी गई, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उन अलंकारों में न फंस कर सीधे क्या करता है? भक्ति योग का पालन करता है। अच्छा, जब वो भक्ति योग का पालन करेगा तो क्या होगा? उसे जो ये स्टेप दिए गए हैं, वर्णाश्रम क्यों बताया गया? वर्णाश्रम अपने आप में भक्ति नहीं है, लेकिन ये एक पद्धति है जिसके द्वारा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन भक्ति इनसे स्वतंत्र है, आप किसी भी आश्रम में रहकर भक्ति को सीधे संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप सकाम कर्म करें, निष्काम कर्म करें, फिर भक्ति योग का पालन करें, आप भक्ति सीधे सीधे कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप निश्चय कर लीजिए कि इस जीवन में मैं कृष्ण भावना मृत का इस प्रकार अभ्यास करूंगा कि इस शरीर को छोड़ने के बाद आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करूंगा, कितनी सुंदर बात है। तो अगर आप निश्चय कर लीजिए, यह हमारा जीवन क्या है? लास्ट जीवन, अब इसके बाद मुझे पुनः जन्म नहीं लेना है, ये निश्चय तो पहले आप कीजिए। ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस शरीर को छोड़ने के बाद आध्यात्मिक जगत में मैं प्रवेश करूंगा तथा सीधे गोलोक वृंदावन अर्थात गोलोक में जाऊंगा, इसे कहते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि। और इस व्यवसात्मिका बुद्धि में ही रहकर हमें क्या करना है? भक्ति करना है। और ये निश्चय कर लेना है कि हमारा ये जीवन क्या है? आखिरी जीवन है। और इस जीवन को हमें किसे देना है? श्रील प्रभुपाद। परंतु जब गोपाल कृष्ण महाराज जी कहते हैं, एक शिष्य बोलते हैं कि महाराज आप
वृद्ध हो चुके हैं, आप डीटी सेवा करते हैं, इतना प्रचार कर सकते हैं, इन सेवाओं को कम कर दीजिए या हमें दे दीजिए। बहुत सारे शिष्य उनके डीटी सेवा कर लेंगे, बहुत सारे उनके डीटी से शिष्य को दे सकते हैं, लेकिन कहते नहीं आप मुझे मेरी सेवा से दूर मत कीजिए, ये जीवन मैंने प्रभुपाद को दे दिया है। कहते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया है और उससे बोला जाए कि 100 रुपया दीजिए, तो क्या 100 रुपया देना उसके लिए भार होगा? इसलिए दे सकता है। उसी प्रकार हमने हजारों करोड़ों जन्म ले चुके हैं और ये 100 रुपया हमारा ये जीवन है और इस 100 रुपये को देकर हम प्रभुपाद जी को इस जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। तो ये घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है? तो जो बुद्धिमान होगा ये जीवन प्रभुपाद को दे देगा। और सिर्फ यहाँ से नहीं, इसके नीचे से। हम तो कहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन ये बात सिर्फ जीवा तक ही सीमित है, हृदय से रियलाइज नहीं कर पाते। और हृदय से रियलाइज करने के लिए आपको प्रभुपाद का संग करना पड़ेगा, उनके पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, उनका मिजाज जानना है, उनका उद्देश्य जानना है। प्रभुपाद कहते हैं आई ऑलवेज लिव इन माई बुक, अगर आपको मेरा संग प्राप्त करना है तो आप मेरे पुस्तकों को पढ़िए। प्रभुपाद हमारे लिए ही रात रात भर जग के पुस्तकों को लिखते थे, सिर्फ 2 घंटा सोते थे महाराज, और हम इतना बद्ध जीव है कि हम उसे पढ़ भी नहीं पाते। इसीलिए हम लोगों ने एक मुहिम ऑनलाइन शुरू किया है प्रभुपाद के छोटे छोटे पुस्तकों को पढ़ने के लिए 9:30 से 10 बजे तक, ताकि उनके पुस्तकों को हम पढ़ें, उस चेतना के साथ हम समाधि में जाएं और उन बातों का स्मरण करें, ताकि उनके बातों को समझना है तो उनके पुस्तकों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप अकेले नहीं पढ़ पाते हैं तो ग्रुप में आइए हमारे साथ, माता जी प्रभु जी जो भी पढ़ने की इच्छुक है ग्रुप में लिंक दे दिया जाता है, आप पढ़िए और अपने जीवन को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की। आज के सेशन से संबंधित कोई जिज्ञासा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।